अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय किचन। आज बन रहे हैं शामी कबाब। उसके लिए सबसे पहले ये मैं एक मग चने की दाल भिगोने लगी हूँ। 1.5 किलो मेरे पास कीमा है और अगर आप प्याली में मैयर करें तो ये 1.5 प्याली चने की दाल होगी। इसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देना है। यहाँ पे मेरे पास है 2 प्याज, 1 लहसुन पूरा और ये अदरक का इतना सा टुकड़ा, ये सारे मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये प्याज मैंने काट लिया है, लहसुन अदरक छील लिया है, ये ले लिया है 1.5 किलो कीमा, इसमें ये जा रहा है प्याज, चने की दाल जो हमने 2-3 घंटे सोख करके रखी हुई थी, और अब इसके अंदर ये लहसुन अदरक भी हम शामिल कर देंगे। ये जा रहा है इसमें नमक हसबे जायका, परेशान ना होइएगा, नमक आप बाद में चेक कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी। और लाल मिर्चें भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 1 चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। ये 4-5 गोल वाली मिर्चें इसमें डाल जाएंगी, थोड़ी वैसे लाल मिर्चें कम रखिएगा। ये गरम मसाला, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा, ये सब कुछ भी इसके अंदर चला जाएगा। क्वांटिटीज़ मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ। और ये इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं गरम पानी और इसको तकरीबन हमने पकाना है 40-45 मिनट्स, ताकि कीमा और चने की दाल अच्छी तरह से गल जाएं। कीमा समटाइम्स गल जाता है, चने की दाल रह जाती है, आपने चने की दाल को अच्छा सा गलाना है। ये हरी मिर्चें मैं चॉप करके रख ली हैं। यहाँ पे कीमा मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के बाद, क्योंकि रात को मेरे पास टाइम नहीं था, अभी मैं सुबह करने लगी हूँ। तो अब इसको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। हरा मसाला मैंने डाल दिया है जिसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें शामिल हैं। अब ये मैं इसको चॉपर में चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रात को फ्रिज में रख दिया था तो कीमा थोड़ा ड्राई हो गया, तो मैं एग इसी पॉइंट पे शामिल कर रही हूँ। तो ये 1 अंडा मैं डाल रही हूँ। समटाइम्स 1 से गुजारा हो जाता है, समटाइम्स थोड़ा 1.5 अंडा ऐड करना पड़ता है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ये हमारा मसाला तैयार है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया है और अब मैं अपने कबाब्स को शेप दे रही हूँ। रमज़ान में बड़ा अच्छा रहता है शामी कबाब बने हों, सहरी अफ्तारी दोनों में आप बड़े आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं। सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, रोल पराठा बना सकते हैं। तो हम अब इनको फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद दे आर रेडी टू सर्व। डू ट्राई दीज, बहुत मज़े के बनते हैं। So do subscribe my channel. Until then, Allah Hafiz.